यहाँ पे हमारे पास एक हाइपोथेसिस आता है जिसे हम हैमिल्टन ज़ूक हाइपोथेसिस कहते हैं। इस हाइपोथेसिस का क्या कहना है, चलिए जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। विच मेल ट्रेट शुड फीमेल एक्सेप्ट एज अ ऑनेस्ट इंडिकेटर ऑफ मेल जेनेटिक क्वालिटी, यानी कि मेल में इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, किस कैरेक्टर को फीमेल जो है जेनेटिक क्वालिटी पे जज करेगी, ये बोला गया है। और वो जेनेटिक क्वालिटी एक्चुअल में एक प्रॉपर इंडिकेटर होगा कि यस हाँ भाई वो जीन जिस तरीके से कोड कर रहा है वो अच्छा ही कैरेक्टर कोड कर रहा है। सो वन थ्योरी इज दैट द ऑनेस्ट इंडिकेटर ट्रेट शुड बी जनरली कॉस्टली टू प्रोड्यूस, यानी कि एक प्रॉपर ऑनेस्ट इंडिकेटर यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो ये बताएगा कि यस एक मेल बहुत फिट है एक्चुअल में, तो ऐसे कैरेक्टर एक्चुअल में कॉस्टली होते हैं, यू ही प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। एंड दैट इज वाई ऐसे कैरेक्टर को फेक करना भी मुश्किल है, यानी कोई झूठ मूठ के ऐसे कैरेक्टर बना ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। द कॉस्टलियर द ट्रेट द मोर डिफिकल्ट इट इज टू फेक एंड हेंस द मोर लाइकली इट इज दैट द ट्रेट इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ गुड जीन, यानी कि वो जो ट्रेट है यानी वो जो कैरेक्टर है उसको फेक करना इतना मुश्किल है कि अगर वो कैरेक्टर किसी में प्रेजेंट हुआ ना तो दैट इज द इंडिकेटर, वो सही इंडिकेटर है कि हाँ भाई उसके अंदर अच्छा जीन्स है। वन कॉस्टली ट्रेट दैट हैज बीन स्टडीड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग इन पैरासाइट इज अ पैरासाइट रेजिस्टेंस, यानी कि एक कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है कि एक मेल का पैरासाइट रेजिस्टेंस होना। ये जो पैरासाइट रेजिस्टेंस है ये माना जाता है कि ये गुड जीन्स के थ्रू ही आता है, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म अगर एक मेल पैरासाइट रेजिस्टेंस है तो समझ लीजिए उसमें गुड जीन्स हैं। इसीलिए क्या होता है, फीमेल दैट चूज मेल विथ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द पैरासाइट अ ट्रेट दैट वुड बी डिफिकल्ट टू फेक मेक अ रिसीव इनडायरेक्ट बेनिफिट इन दैट they may be mating with an individual with the good genes, here genes conferring the parasite resistance, यानी जब एक female देखती है कि एक male जो है अपने parasite से resistance show कर रहा है, यानी parasite उसको affect नहीं कर पा रहे, उसको बीमार नहीं कर पा रहे, तो female ऐसे male को select करती है जिसके अंदर parasite resistance है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो parasite resistance good gene से जो है link है, इसके अंदर अच्छे जीन है इसीलिए जो है ये पैरासाइट रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो द प्रेडिक्शन ऑफ ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग मॉडल व्हेन अप्लाइड टू द पैरासाइट गो अंडर द नेम ऑफ हैमिल्टन ज़ूक हाइपोथेसिस आफ्टर द बिल हैमिल्टन एंड मार्कन ज़ूक हु फर्स्ट अप्लाइड द आइडिया ऑफ गुड जीन टू द पैरासाइट रेजिस्टेंस। तो इसी को जो है हैमिल्टन ज़ूक हाइपोथेसिस हम कहते हैं, जहां पे गुड जीन को पैरासाइट रेजिस्टेंस से लिंक किया गया। इतना ही नहीं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा गया है कि एक और सेट ऑफ जीन है जो कि इन्वॉल्व है डिजीज रेजिस्टेंस में, जो कि काफी सारे एनिमल्स में पाई जाती है, जिसे हम मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, दैट इज MHC कहते हैं। इसको भी जो है लिंक किया गया है कि ये भी ऑर्गेनिज्म में डिजीज रेजिस्टेंस क्रिएट करवाती है। ठीक है, तो ये था हैमिल्टन ज़ूक हाइपोथेसिस, जो कि किससे लिंक था, जो कि लिंक था गुड जीन से, और गुड जीन्स कैसे लिंक्ड हैं पैरासाइट रेजिस्टेंस से उसको हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा।